नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बैयर रोड उदघाटी के पास खाई में गिरा ट्रक, बालाघाट के पुलिस बल ने ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकाला सुरक्षित बाहर। चोरी करने घर में घुसे दो चोरों ने एमपीवी के सेवानिवृत्त इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति और उनकी पत्नी से की मारपीट। जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में एक और आरोपी हुआ गिरफ्तार। एलएलबी विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की अनुमति दिलाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बारिश से तरबतर हुआ शहर, शहर के कई स्थानों में जलभराव की स्थिति हुई निर्मित, शहरवासी हुए परेशान। नगर के पीजी कॉलेज महाविद्यालय में अध्ययनरत एलएलबी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में मान्यता दिए जाने की गुहार लगाई है। जिन्होंने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर जिला दंडाधिकारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उनकी एक सूत्री मांग को जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। वकालत की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के अनुसार छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से एलएलबी कॉलेज की पढ़ाई की मान्यता नहीं दी गई है। वहीं छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा पीजी कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई कराई जा रही है। ऐसे में एलएलबी की डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी और उन्हें प्राप्त होने वाली एलएलबी की डिग्री नाम मात्र की ही रह जाएगी, जिससे वे वकालत का पेशा नहीं कर पाएंगे और पढ़ाई कर डिग्री हासिल करने के बाद भी उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसी को लेकर एमएलबी के विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को मान्यता दिए जाने की मांग की है। आपको बताएं कि यदि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को एलएलबी की पढ़ाई के लिए मान्यता नहीं मिलती है तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त कॉलेज की एलएलबी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियां किसी भी काम की नहीं रहेगी। डिग्री होने के बाद भी वे एमपी स्टेट बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। वहीं ऑल इंडिया बार एजुकेशन में बैठने के लिए वे अयोग्य होंगे। इसके अलावा विद्यार्थी किसी भी कोर्ट में वकालत भी नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर एलएलबी के विद्यार्थी इन दिनों काफी परेशान हैं। हमारी मांग ये है माननीय महोदय जी से कि जो हम लोग का कॉलेज है पीजी कॉलेज बालाघाट, वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से यानी मतलब मान्यता प्राप्त है उसको, लेकिन सर हमें ये पता चला है कि बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा क्या है हमारी जो यूनिवर्सिटी है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण अभी हम लोग का यानी मतलब एलएलबी खत्म हो जाएंगी और उसके लिए फिर हम लोग यानी मतलब उसके बाद में हम अपना व्यवसाय अधिवक्ता व्यवसाय हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही यानी हम लोग के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। तो इस विषय में यानी हम महोदय जी के पास ज्ञापन सौंपने के लिए सारे स्टूडेंट विद्यार्थी लोग उपस्थित हुए। किरनापुर पुलिस ने डबल मनी मामले के एक और व्यक्ति के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया। गिरफ्तार आरोपी सेवकराम बल्ले उम्र 47 वर्ष ग्राम भानेगांव निवासी को न्यायिक अभिरक्षा से जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डबल मनी के इस मामले में सेवक राम भल्ले ग्राम भानेगांव निवासी ने कुछ लोगों को रुपये डबल करने का हवाला देकर उनसे रुपये लेकर चेक दिए थे। सेवक राम भल्ले ने उन चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर किए थे, जिसकी शिकायत हाल ही में की गई थी। इस शिकायत के आधार पर किरनापुर पुलिस ने सेवक राम भल्ले ग्राम भानेगांव निवासी के विरुद्ध धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम की धारा 420, 406, 120(b), 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर अपराध में सेवक राम भल्ले को गिरफ्तार करके 22 सितंबर को उसे बालाघाट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको ज्ञात हो कि डबल मनी के इस मामले में अब तक 4 अपराध पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिसमें 2 अपराध पुलिस थाना लांजी और 2 अपराध पुलिस थाना किरनापुर में दर्ज हैं।
लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लवादा निवासी 42 वर्षीय विनोद पारथी की 22 सितंबर को कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लवादा निवासी 42 वर्षीय विनोद पारथी 22 सितंबर की सुबह करीब 6:30 बजे साइकिल लेकर खेत घास काटने के लिए गया हुआ था, परंतु काफी देर होने के बाद भी वे खेत से वापस नहीं आए और उनकी बेटी को साइकिल से ट्यूशन जाना था, जिसके बाद विनोद के पिताजी हीरालाल पारधी साइकिल लेने के लिए खेत की ओर गए तो उनका बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि साइकिल खेत के सामने रोड किनारे खड़ी थी, जिसके बाद हीरालाल बगीचे के अंदर आकर अपने बेटे को देखा तो वह वहां दिखाई नहीं दिया। कुएं के पास जब उसकी चप्पल दिखाई दी और उसने कुएं में झांक कर देखा तो विनोद कुएं के अंदर गिरा हुआ था, जिसने इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी। कुएं के अंदर विनोद पारधी के गिरने से मौत होने की जानकारी ग्राम में आग की तरह फैल गई और ग्रामीण जनों की भीड़ लग गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद एएसआई चित्रसेन ठाकरे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण जनों की मदद से कुएं के अंदर से विनोद ठाकरे की लाश को बाहर निकाला और आवश्यक कार्यवाही कर लाश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि विनोद पारधी गुरुवार की सुबह खेत घास के लिए गया हुआ था, इस दौरान पानी प्यास लगने पर कुएं के पास गया होगा, तभी अनियंत्रित होकर गिरने से उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की गई है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर आगे मामले की जांच कर रही है। मंगलवार से जारी बारिश का दौर तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को दोपहर तक मौसम साफ रहा, लेकिन करीब 1 बजे के बाद मौसम ने ऐसी करवट ली कि दोपहर 2 बजे से तेज बारिश हुई और इस बारिश का दौर शाम तक लगातार जारी रहा। 2 से 3 घंटे तक हुई जमकर बारिश के कारण शहर के विभिन्न स्थानों में जमकर जलभराव हो गया, इससे कई स्थानों में तालाब जैसी स्थिति निर्मित हो गई। वहीं कुछ क्षेत्रों में घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, या यूं कहें कि गुरुवार को दोपहर हुई बारिश से जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ। नगर के हनुमान चौक, अंबेडकर चौक, कन्हाटोला सहित अन्य समस्त निचले क्षेत्र जहां जलभराव होने की समस्या खड़ी होती है, वहां जलभराव हो गया। हनुमान चौक में जलभराव होने के कारण लोगों को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम तक आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण हर क्षेत्र में लोगों को परेशान होते देखा गया। बारिश इतनी तेज गति से हुई कि लोग जहां रुके वहां लंबे समय तक उन्हें रुकना ही पड़ा। गुरुवार को लोगों को परेशानी इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक मौसम साफ होने के कारण लोगों को तेज बारिश होने का आभास नहीं था, जिसके कारण उनके द्वारा रेनकोट वगैरह अपने साथ नहीं रखा गया था, जिसके कारण लोगों को बारिश बंद होने का इंतजार करना पड़ा। दोपहर 4:30 बजे स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है, छात्र छात्राओं के द्वारा करीब आधे घंटे तक बारिश थमने का इंतजार किया गया, लेकिन बारिश थमते नहीं दिखने पर छात्र छात्राएं भीगते हुए अपने घरों के लिए रवाना हुए। नगर के भटेरा चौकी में नाग मंदिर रोड पर पानी इतना अधिक भर गया कि वार्ड के एक निवासी युवराज कटरे के घर पानी घुस गया। यह पानी घर के सभी कमरों तक फैल गया, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यहां निवासरत एक दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया है, जिससे घरों में रखे सामान गीले हो गए हैं। घरों में पानी घुस जाने की जानकारी लगते ही पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोरी भटेरा चौकी स्थित नाग मंदिर गली में पहुंचे और लोगों को हो रही परेशानी से अवगत हुए। इसको लेकर श्री सोनी ने बताया कि अवंती चौक से लेकर जिला अस्पताल का पानी भटेरा चौकी में आता है, वह पानी नाग मंदिर गली में जमा हो गया है, जिससे कई घरों में पानी घुस गया है। तो जो पानी जमा हो रहा है, ये किस साइड से पानी आ रहा है और यहाँ इतनी दिक्कत क्यों बन रही है? ये विगत कई दिनों से यहाँ पे अवंतीबाई चौक से लेके पूरा बूढ़ी रोड का अस्पताल के पास का जितना भी पानी है वो पूरा यहाँ से उतर के सीधा ये वार्ड नंबर 1 में प्रवेश करता है, जिससे यहाँ के पूरे नागरिकों को बहुत परेशानी है। यहाँ पे भी नशा मुक्ति वाली गली में भी और ये नांग मंदिर वाली गली में भी सभी गली में लोगों के घरों में पानी भर गया, लोग बहुत परेशान है। तो ये जो पानी वहाँ से आ रहा है, ये रेलवे के किनारे किनारे सीधी नाली रेलवे लाइन से उधर होना चाहिए था, रेलवे को सीधी नाली वहाँ खोदना था, लेकिन उनने नाली को इस तरफ टर्न कर दिए, उसके कारण पूरा पानी यहाँ पे आ रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अभी आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? हमारे द्वारा कल ही रेलवे में लेटर दिया जाएगा और उनसे जाके निवेदन किया जाएगा कि आप अपनी पटरी के किनारे से सीधी नाली बाहरी बाहर पूरा पानी बाहर निकाले, ताकि इधर वार्ड में पानी प्रवेश नहीं करेंगे, और नगर पालिका में भी आवेदन लगाया जाएगा कि ये नाली को सीधी कराई जाए। नगर पालिका भी रेलवे को लेटर लिखेंगी
और वो पानी जब सीधा निकलेगा, जब पानी यहाँ पे प्रवेश नहीं करेगा, यहाँ नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। रात रात सबके घरों में पानी घुस गया है और बहुत उन लोग परेशान हुए। लगभग आज कितने घरों में पानी गया होगा? लगभग आज 30 से 40 मकानों में पानी भर गया। बेचारे पानी फेंक रहे हैं, बहुत तकलीफ है। यानी पानी अगर रेलवे का पानी सीधा निकल जाएगा, बूढ़ी का पानी यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ की समस्या हल हो जाएगी। इसी तरह नगर के दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स में लोगों को जलभराव की वजह से काफी परेशान होना पड़ा। यहां कॉम्प्लेक्स के दोनों ओर तालाब जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलें पानी में आधे से ज्यादा डूब गई थी। वहीं कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों को घुटने भर पानी से होते हुए आवाजाही करनी पड़ी। जलभराव की समस्या को लेकर दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स के दुकान संचालकों के द्वारा काफी नाराजगी व्यक्त की गई। यहां लोगों ने बताया कि दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स के पास पानी सिविल लाइन से विश्वसरैया चौक होते हुए तथा मुल्ला स्टेडियम की ओर से भी पानी यहीं आता है, जिसके कारण यहां तालाब जैसा नजारा बन जाता है। यह हर वर्ष यह समस्या खड़ी हो जाती है। जब भी एक दो घंटे की बारिश होती है, जमकर जलभराव हो जाता है और उसके कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। प्रशासन द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। विगत बहुत से वर्षों से यहाँ देखा जा रहा है और यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में, दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स में 16-17 दुकानें हैं और हर वर्ष का यहाँ की यही समस्या है कि जब भी पानी आता है एक दो घंटे तो बस पूरी दुकानों में पानी अंदर आने लगता है, गंदा पानी चौपट हो जाता है और यदि दुकान के अंदर पानी घुस गया तो 50,000 रुपये का सामान का नुकसान होता है। मेरे को ही नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स से सभी दुकानदारों सबको नुकसान होता है। तो क्या प्रशासन से प्रशासन से मांग ये है कि ये समस्या जो विगत वर्षों से चलते आ रही है, इसका निराकरण करें। यहाँ की जनप्रतिनिधि नेताएं पानी का निकासी करवाए, उचित व्यवस्था कराए ताकि जनजीवन जीने में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। इसका हल कैसे निकल सकता है? इसका हल शासन प्रशासन ही निकाल सकता है। देखिए पानी अभी घुटने के ऊपर है ना, ये इतनी परेशानी हो रही है। लोग गाड़ियाँ से जाते हैं तो शटर के मतलब अंदर दुकान के अंदर पानी रुक जाता है ना। अब ये यहाँ की लोकल जो शासन प्रशासन है इसको तो दिख रहा होगा। ये कब से आ रही समस्या? हम लोगों का कहना ये है कि अब इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन निकाला जाए। ये कब से आ रही समस्या ऐसी? जब भी पानी गिरता है आए दिन यही प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। तो कुछ नुकसान भी होता है क्या? नुकसान बहुत होता है साहब, कभी कभी तो अंदर पानी घुस जाता है। अच्छा, है ना, कोई लोग आते नहीं इसमें पानी पाते? जो ग्राहक है वो भी नहीं आ पाते, पानी इतना भरा है तो मतलब खाली बैठना पड़ता है उसके कारण। बहुत ज़्यादा खाली बैठना पड़ता है। देश के विभिन्न स्थानों में की जा रही अग्निवीर भर्ती को देखते हुए रेलवे एसपी द्वारा संभाग के सभी रेलवे स्टेशनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पिछले दिनों की तरह भर्ती के दौरान कोई भी व्यक्ति रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सके। रेलवे एसपी से मिले इन आदेशों के तहत जिले सहित संपूर्ण संभाग के सभी स्टेशनों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका एक नज़ारा गुरुवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन में देखने को मिला, जहां चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत रेलवे पुलिस और गोंदिया तिरोरी ट्रेन में बैठे यात्री उस समय दहशत में आ गए जब रेलवे पुलिस ने ट्रेन में एक लावारिस अवस्था में पड़ा लाल रंग का संदिग्ध बैग बरामद किया, जहाँ रेलवे पुलिस द्वारा ट्रेन में बैठे यात्रियों से बैग को लेकर पूछताछ की गई, जहाँ किसी का कोई जवाब नहीं आने पर मामला और भी ज़्यादा संगीन हो गया और लोग इस लाल रंग के बैग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे, जिस पर रेलवे पुलिस द्वारा संदिग्ध बैग को जब्त कर यात्रियों के समक्ष बैग की तलाशी ली गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नजर नहीं आई, जिस पर संतुष्टि जाहिर करते हुए रेलवे पुलिस द्वारा गोंदिया से तिरोड़ी तक सभी रेलवे स्टेशनों में किसी यात्री का बैग छूट जाने की सूचना पहुंचाई। वहीं गोंदिया से लेकर तिरोड़ी तक के सभी रेलवे स्टेशनों में किसी यात्री का बैग छूट जाने को लेकर अलाउंस करवाया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने उसका बैग ट्रेन में छूट जाने की शिकायत की थी, जिस पर उक्त बुजुर्ग को तत्काल बालाघाट रेलवे स्टेशन बुलाकर वह लाल रंग का बैग उनके सुपुर्द किया गया। रेलवे पुलिस चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक बैग में नगद 2200 रुपए और कुछ कपड़े ही थे। वहीं जिस बैग को संदिग्ध माना जा रहा था, दरअसल वह किसी यात्री का छूटा हुआ बैग था। आज दिनांक को आर्मी भर्ती के दौरान रेलवे स्टेशनों में चौकी प्रभारी महोदय के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था,
जिसमें आने जाने वाली ट्रेन और स्टेशनों को चेक किया जा रहा था। ट्रेन गोंदिया तिरोड़ी पैसेंजर ट्रेन में एक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बैग मिला। बैग की बैग के बारे में आजू बाजू वाले यात्रियों से पूछताछ की गई, जो किसी ने भी उनका होना नहीं बताया। बैग को खोलकर यात्रियों के बीच देखा गया, जिसमें किसी यात्री का कुछ सामान एवं नकद 2200 रुपये होना पाया। तुरंत पिछले स्टेशनों के स्टेशन प्रबंधकों को फोन पर सूचना दी गई एवं सभी स्टेशनों में अनाउंसमेंट के माध्यम से पब्लिक को तक मैसेज पहुंचाया गया। कुछ देर बाद रिप्लाई मैसेज आया कि किसी एक यात्री द्वारा अचानक सामान उतारने के दौरान एक बैग छोड़ दिया गया था, जिसे सुरक्षित GRP चौकी बालाघाट लाकर उस यात्री को उसका सामान एवं नगद पैसा उसके सुपुर्द किया गया। नगर के वार्ड नंबर 2 सेंट मेरी स्कूल के पास रहने वाले MPB से सेवानिवृत्त इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति के घर चोरी करने चैनल गेट का ताला तोड़कर घुसे दो चोरों ने दयाशंकर प्रजापति और उनकी पत्नी श्रीमती मंजू प्रजापति को मारपीट कर घायल कर दिए। यह घटना 21 एवं 22 सितंबर की दरमियानी रात करीब 2 बजे हुई। चोरों द्वारा मारपीट करने से घायल प्रजापति दंपत्ति का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया जा रहा है। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौक के समीप सेंट मेरी स्कूल के पास MPEB के सेवानिवृत्त इंजीनियर दयाशंकर प्रजापति अपनी पत्नी के साथ घर में रहते हैं। 21 सितंबर की रात्रि वे खाना खाने के बाद दयाशंकर प्रजापति और उनकी पत्नी सो गए थे। दो अज्ञात व्यक्ति घर के चैनल गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और मेन दरवाजे का ताला तोड़ रहे थे। तभी आहट होने पर दयाशंकर प्रजापति की नींद खुली और उन्होंने चोर चोर करके चिल्लाए। आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी मधु प्रजापति भी उठ गई। तभी दयाशंकर प्रजापति ने दोनों व्यक्ति से पूछे कि अंदर कैसे आए। तभी चोरी करने आए दोनों चोरों ने दयाशंकर प्रजापति और उनकी पत्नी मंजू प्रजापति से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आई है। ज्यादा हल्ला होने के दौरान चोर वहां से भाग गए, जिनके भागने के बाद दयाशंकर प्रजापति द्वारा पुलिस को सूचना की गई और डायल 100 से पुलिस कर्मचारी पहुंचे, जिन्हें दयाशंकर प्रजापति ने घटना के संबंध में बताया। 100 डायल से ही प्रजापति दंपति को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने घटना के संबंध में दयाशंकर प्रजापति का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्यवाही हेतु कोतवाली भिजवा दी है। आज के दौर में शिक्षा को भी व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। बच्चों को शिक्षा दिलाने बड़े बड़े संस्थान खोले जाते हैं ताकि उनसे आय अर्जित की जा सके। वहीं दूसरी ओर बालाघाट जिला मुख्यालय में शहर से लगा एक स्कूल बच्चों को वर्षों से निशुल्क शिक्षा दे रहा है, लेकिन उस स्कूल की आर्थिक समस्या के कारण वह दम तोड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं नगर के वार्ड नंबर 4 देवटोला में स्थित गुरुकुल शासकीय माध्यमिक विद्यालय की। गुरुकुल के नाम से संचालित स्कूल 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि पिछले 15 वर्षों से बच्चों को निशुल्क शिक्षा देता आ रहा है। जिस स्थान पर यह स्कूल लगा है वह मकान बहुत ही जर्जर स्थिति पर पहुंच गया है। मकान बहुत पुराना हो जाने के कारण घटना न घट जाए इसका अंदेशा बना हुआ है। फिर भी दूसरे भवन का कोई जरिया नहीं होने के कारण मजबूरी में स्कूल का संचालन जारी है, क्योंकि गुरुकुल के संचालक अशोक भोने द्वारा इसके लिए शुरू से ही अथक मेहनत की गई है और सिर्फ भवन की समस्या को देखते हुए बच्चों को दी जाने वाली निशुल्क शिक्षा रोक दिया जाना उचित नहीं समझा जा रहा है। गुरुकुल स्कूल में निशुल्क शिक्षा दिए जाने की जानकारी लगते ही सांसद ढाल सिंह बिसेन गुरुवार को स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के शिक्षकों और संचालक से विस्तार पूर्वक चर्चा की। निशुल्क शिक्षा बच्चों को दिए जाने को लेकर सांसद श्री बिसेन द्वारा स्कूल संचालक और कम मानदेय पर कार्य करने वाले शिक्षकों की सराहना की गई और स्कूल के भवन के लिए जो भी सार्थक प्रयास किया जा सकता है वह करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, पहले तो मैं इस गुरुकुल के संचालन समिति को धन्यवाद दूंगा कि जो निःशुल्क रूप में यहाँ पर ग्राम के बच्चों को शिक्षण का काम कर रहे हैं और इनके जितने भी इस गुरुकुल में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका हैं वो भी निःशुल्क कह लें या बहुत कम मानदेय के शुल्क पर अध्ययन का काम करा रहे हैं। तो पहली बात है कि बहुत अच्छा एक समाज सेवा के रूप में इनका काम है और जिस भाव के साथ में भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सेवा को मैं नमन करता हूँ। और अब इनका जो विचार है कि आगे से स्कूल को और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि बहुत पुराने कम से कम 80-90 साल से ऊपर पुराना मकान दिखता है मुझे, ये बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा का ही होगा, तो इसको बना करके नया भवन बनाने का इनका है। तो आज मैं ही देखने आया था, जो भी रिवोर्स इसमें
मदद बन सके कि स्कूल को जो निःशुल्क भाव से बच्चों की शिक्षा धन के काम में लगे, उनकी मदद करना समाज का भी काम है, सरकार का तो है पर समाज भी इसमें योगदान कर रहा है। बताएं कि निःशुल्क शिक्षा देने वाले गुरुकुल स्कूल के संबंध में जानकारी हर जन प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं नगर के समस्त प्रमुख समाज सेवी को है। स्कूल का निरीक्षण बहुतायत जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर SP द्वारा भी पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन गुरुकुल का भवन आज तक नहीं बन पाया। इस स्कूल का निरीक्षण करने पूर्व में महामहिम राज्यपाल महोदया भी पहुंची थी, जिनके द्वारा संस्थान में भवन बनाने के लिए 11 लाख रुपए भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिलता जा रहा है। स्कूल के संचालनकर्ता स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यह स्कूल वाकई में बहुत अधिक जर्जर हो गया है, क्योंकि यह मकान काफी पुराना है। वे स्वयं कहते हैं कि बरसात के समय घटना होने का डर बना रहता है, इसी वजह से तथा बैठक व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। वर्तमान में 160 बच्चे यहां अध्ययन करते हैं। यह गुरुकुल स्कूल पिछले 15 वर्षों से संचालित हो रहा है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। भवन का निर्माण प्रारंभ करने को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन वह काम आज तक नहीं हो पाया। स्कूल संचालक के द्वारा बताया गया कि बारिश के दौरान उनके द्वारा बच्चों को स्कूल भवन में नहीं रखा जाता है, वहीं अन्य मौसम में उनके द्वारा बच्चों को इस मकान के बाहर ही अध्यापन कार्य ज्यादातर कराया जाता है। जी, हमने जब बात की जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारियों से, तो उन्होंने हर बार आश्वासन दिया और साथ में उसका कार्यकलाप को स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए राज्यपाल महोदया जी आई थी, तो उन्होंने भी यहाँ 11 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया था। और इसके पश्चात में हमारे कलेक्टर महोदय जी आए थे, तिवारी जी अपने SP सर आए थे, यादव जी हमारे कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने सबने यानी मिलकर के यहाँ पर दीपक आयर सर ने यहाँ पर यानी इसको बनवाने के लिए पूरी प्रयास किया और लॉकडाउन लग जाने के कारण ये काम रुक गया। जिले के ग्रामीण अंचलों में मधुमक्खियों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां हाल ही में मधुमक्खी के हमले से पायली निवासी एक मजदूर सुखाराम नकपुरे की मौत हो गई थी, तो वहीं एक अन्य मजदूर घायल हो गया था, जहां उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। इसी बीच खेत में काम कर रहे एक 62 वर्षीय किसान पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ताजा मामला किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धड़ी का है, जहां 62 वर्षीय किसान लट्टी पिता केव बागड़े को मधुमक्खी के हमले से घायल होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धड़ी निवासी लट्टी बागड़े किसान है, जो रोजाना की तरह गुरुवार को भी अपने खेत में काम करने के लिए गया हुआ था, जहां बकरियों के लिए चारा काटते वक्त पेड़ में छाता बनाकर बैठी मधुमक्खियों के झुंड ने उस पर अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए लट्टी पहले तो फसल लगी बंधियों में पानी पर लेट गया, लेकिन मधुमक्खी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, जिस पर उसने अपने आप को कपड़े से लपेट लिया और भागता हुआ घर आया, जहां इस हमले से बुरी तरह जख्मी होने पर उसके परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। क्या बोले? दारा काटने गया था बकरी का। कहाँ पर? खेत से। अच्छा, कौन से गांव की घटना? धड़ी। अच्छा, फिर क्या हुआ? चापते गई तो फिर मैं बंदी में डुबकी मारता था। अच्छा, दो तीन बंदी में डुबकी मारा, उसके बाद में नहीं समझी, तो फिर वो कपड़ा था बदन में ऐसा ओढ़ी है मच्छा बेकर के पानी के अंदर। बैयर रोड उद्घाटी की गोलाई में एक ट्रक मलाजखंड से बालाघाट आते वक्त अनियंत्रित होकर गहरी खाई में घुस गया। 22 सितंबर को यह घटना सुबह 8 बजे करीब हुई। ट्रक की खाई में घुसने से ट्रक चालक ट्रक में ही फंसकर घायल हो गया था। घटना के कुछ समय बाद ही CM कारकेट को मलाजखंड ले जा रहे एडिशनल SP आदित्य मिश्रा के जवान आरक्षक अंकुर गौतम ने रस्सी के सहारे खाई में उतरकर ट्रक में फंसे चालक की जान बचाई। घायल ट्रक चालक अंकित पिता सुरेश बाहेश्वर उम्र 25 वर्ष ग्राम वारा थाना वारा सिवनी निवासी है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 सितंबर को पुलिस लाइन बालाघाट से अंकित बाहेश्वर अल्ट्रा ट्रक क्रमांक MP 50 G1858 में स्टॉपर पर लेकर मलाजखंड गया था और रात्रि मलाजखंड में ही रुकने के बाद 22 सितंबर को सुबह अंकित खाली ट्रक को लेकर मलाजखंड से वापस बालाघाट आ रहा था। बैहर से बालाघाट की ओर आते समय लौगुर घाटी की 3-4 गोलाई पार करने के बाद जैसे ही ट्रक उद्घाटी गोलाई में पहुंचा और उद्घाटी की गोलाई में ट्रक अनियंत्रित हो गया। बताया गया है कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था जिससे अंकित ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सीधे खाई में घुस गया। ट्रक में अकेला अंकित ही था जो खाई में गिरने पर ट्रक फंस गया। इस घटना के समय वहां आने जाने वाले लोग देखे। बताया गया है कि इस घटना में कुछ देर बाद ही CM कारकेट लेकर मलाजखंड जा रहे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल सेल आदित्य मिश्रा के जवान में आरक्षक अंकुर गौतम ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उसने एक रस्सी को सड़क किनारे बांधा और वह रस्सी के सहारे खाई में उतरा और ट्रक में फंसे चालक अंकित को ट्रक से निकाल कर उसे अपने ऊपर लाद कर रस्सी के सहारे सड़क के ऊपर लाया। चूँकि ट्रक चालक अंकित के पैर में चोट लगने से वह घायल हो गया था जिसे तुरंत ही पानी पिलाया गया और मौके पर ही कुछ प्राथमिक उपचार भी किया गया जिसके बाद घायल अंकित को उकवा के माइन अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया था जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है जिसकी हालत खतरे के बाहर बताई गई है। बताया जा रहा है कि आरक्षक अंकित गौतम कोतवाली बालाघाट में पदस्थ है। लालबर्रा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग पर स्थित सेंट्रल बैंक के सामने 12 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे ट्रक की टक्कर से कासपुर निवासी 55 वर्षीय दीनदयाल पटले घायल हो गया जिसका प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कासपुर निवासी 55 वर्षीय दीनदयाल पटले गुरुवार की सुबह 11 बजे मोटरसाइकिल से लालबर्रा बस स्टैंड होते हुए सिवनी की ओर जा रहा था तभी सेंट्रल बैंक के सामने सिवनी की ओर से आ रहे ट्रक की टक्कर से वह घायल हो गया एवं ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने निजी चार पहिया वाहन से उसे लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया था जहां चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। इस सड़क दुर्घटना में दीनदयाल पटले के सर पर चोट आई है। बताया जा रहा है कि घायल कासपुर निवासी बालाघाट में मेडिकल की दुकान में काम करता है और लालबर्रा क्षेत्र में दवाई की वसूली करने आया हुआ था। इसी दौरान उक्त हादसा घटित हो गया।